राजधानी रायपुर सहित बलौदा बाजार में ट्रक लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए रायपुर व बलौदा बाजार पुलिस की टीम गठित की थी, जिन्होंने कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये गिरोह माल सहित हाईवे में चल रही ट्रकों को निशाना बनाए करते थे व घटना को अंजाम देने के लिए सफेद रंग की स्कॉर्पियो का उपयोग करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से पिस्टल, जिंदा राउंड व कट्टा भी बरामद किया है। 5 आरोपी हैं जो कि बिहार की तरफ के हैं और 4 लोकल आरोपी हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसे रहता था कि ये लोग यहाँ पर वारदात करते थे, ट्रक चोरी करके इनका एक लोकल भिलाई का सुजीत शर्मा था जो इनको बुलाता था वारदात करने के लिए, और बेमेतरा निवासी है चिरंजीव वर्मा और आरोपी हेमंत कुमार आशीष सोनी, ये जो चोरी का माल खरीदते थे यहाँ पर, ये चोरी कर माल यहाँ बेचकर चिल्लर खपा कर ये निकल जाते थे और ट्रक को कहीं किसी सुनसान जगह पर छोड़ते। और इस प्रकार 3 मामले, एक पुराना मामला जो कि मार्च के महीने में कोतवाली थाना क्षेत्र बड़ौदा बाजार में हुआ है, इन्होंने बेसिकली जो सिमगा ट्रैक है हाईवे का, सिमगा और धरसिया वाला ट्रैक है, उसको ट्रैक किया हुआ था। 3 वारदातें निकली हैं, अभी हमारी कस्टडी में 9 आरोपी हैं, इनसे सघन पूछताछ की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा। तो पुलिस रिमांड लाने पर और आगे क्या बातें निकलेंगी और उससे क्या और वारदातें खुल सकती हैं, हमें उम्मीद है कि और भी उस चीज़ों पर त्वरित कार्रवाई से ऐसे मामलों पर अंकुश भी लगेगा। कैमरा पर्सन अरुण जंघेल के साथ नितिन नामदेव की रिपोर्ट।